हाय फ्रेंड्स, आपंक स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहब चैनल रे। एक क्लास रे आमे 2021 मसीहा बीड एग्जाम रे आसीथिबा 7 अक्टोबर 2021 रो फर्स्ट शिफ्ट रो आर्ट्स रो समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं आपण जदि साइंस स्ट्रीम रो अटंती ताहले पार्ट 1 रो समस्त क्वेश्चन को देखि पारबे। पार्ट 1 रो सिलेबस समस्त को पई समान अटे, तेनु आपण पार्ट 1 रो समस्त क्वेश्चन को देखि पारबे। एवं एही सीरीज माध्यम रे आमे 2014 मसीहार 2022 मसीहा पर्यंत समस्त बीड एग्जाम रो क्वेश्चन को डिस्कशन करुचे। एवं एहा होची एहा पूर्वरु आमे 2014 मसीहार 2020 मसीहा पर्यंत समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करि सारिछि। आपण देखिना ताहले प्लेलिस्ट को जे देखि पारिबे एवं एहार थ्योरी क्लास मध्ये करा जाइछि, ताहा देखिना ताहले मध्ये प्लेलिस्ट को जे देखि पारिबे। प्रतिदिन क्लास करबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे एबे पर्यंत जॉइन नै नाही ताले मध्ये डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, आपण जॉइन हे परबे। तेनु आरंभ करबा, प्रथमे एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। एवं इंग्लिश को मु पढाई नै, तेनु इंग्लिश को छाड़ी अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। एवं आपण को यदि यह ठीक भाव रे देखा जाउ नै ताहले आपण एहार क्वालिटी को बढ़ाई के देखंतु, काहेकि ना यह छोटे छोटे लिखा जाइछि, तेनु आपण को देखा जाइ न पारे। तेनु आपण 360 पिक्सल बा 480 पिक्सल रे यहाँ को देखंतु, ताहले देखा जीवा आपण को। तेणु आरंभ करवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए टारगेटेड एफर्ट टू एनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस एफोर्डेबल एंड एसेसेबल वैक्सीन फॉर द कंट्री ऑनलाइन विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। अर्थात आत्मनिर्भर भारत द्वारा कोरोना वैक्सीन पे को कोटा को डेवलप करा जितला बा को एप को डेवलप करा जितला कोटक डेवलप कराइथिला मिशन कोविड सुरक्षा, मिशन कोविड सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 मसिया आसीथिला ताहा अनुसार कोटा उठे करेक्ट अटे कहा जाइछि, एहा मध्ये कोटा सटीक अटे केबे आसीथिला 1944 मसिया रे आसीथिला। एथिरे कोन कहा जाइथिला 6 रु 14 वर्षर बालक मानक जो फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा दि जाऊँच ता सर्जेंट रिपोर्ट 1944 मसीह कि आम देश स्वाधीन होगापर 10 वर्ष पर कौन दिज्व फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा दि जा 6 रु 14 वर्षर बालक मानक यह क्या सर्जेंट रिपोर्ट 1944 मसीह कि तेणु यार सठिक आंसर कौन है द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप अफ 6 to 14 मस्ट बी गिवेन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यह कहला सर्जेंट रिपोर्ट 1944 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रीता ऑब्जर्व येलो कलर फ्लेम व्हेन सी इट द एलपीजी गैस स्टोव इज हर किचन, व्हाट डज द येलो कलर ऑफ द फ्लेम इंडिकेट। अर्थात रीता कौन देखला जे से गैस टी एलपीजी गैस टी कौन जलुच्छी येलो कलर रलुच्छी ताहले कहीं जलुच्छी कहीं इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ एलपीजी गैस। अर्थात एलपीजी गैसटा ठीक भाव में इनकम्प्लीट जलुच्छे से येलो कलर रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ह्विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कन्वेट द आइडिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, ये जवाहरलाल जवाहर नवोदय विद्यालय यार आइडिया किए देते किए देते राजीव गांधी देते के 1985 मसीह 1985 मसीह कौन आसी जवाहर नवोदय विद्यालय आसी क्यों पढ़ी पार्थे ग्रामांचल मेधावी छात्र मैंने रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट मैंने केवल रूराल स्टूडेंट मानक ना ग्रामांचल मेधावी रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट मैं 1985 मसीह राजीव गांधी द्वारा आसी जवाहर नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एज ऑफ जून 2018 CIEFLA नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया डज नॉट हैव ए कैंपस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अर्थात CIEFL जून 2018 मसीह CIEFL रो फुल फॉर्म कौन टे नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज CIEFL रो फुल फॉर्म कौन टे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज एवं यह द्वारा कौन करा जाइथे इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज विषय तार डेवलपमेंट में कार्य करता सहित फॉरेन लैंग्वेज आम देश बाहर लैंग्वेज विषय कराई थे तेणु यार हेडक्वार्टर कौटार हेडक्वार्टर अच्छी हैदराबाद ठार यार हेडक्वार्टर अच्छी हेडक्वार्टर हैदराबाद ठार अच्छी कौ कौ जगार यार अन्य ऑफिस रीजनल ऑफिस अच्छी
लखनऊ ठारे अछि एवं शिलांग ठारे अछि एवं हैदराबाद रे यार ऑफिस अछि किंतु बॉम्बे ठारे नहि। बॉम्बे होछि रॉन्ग अटे, एठारे तार अन्य ऑफिस अछि किंतु हैदराबाद होछि यार हेड क्वार्टर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, कोटा नुहे कहा जाइ छि, नॉट लिखा जाइ छि, तेनु बॉम्बे रे नहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, यहाँ थिला एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो पांचटे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिबा, रीजनिंग रो केमिति क्वेश्चन आसीथिला। दुईटी स्टेटमेंट दिया जाइछि एवं कंक्लूजन दिया जाइछि, कोटा सठिक अटे कहा जाइछि। स्टेटमेंट दुईटी दिया जाइछि एवं कंक्लूजन दुईटी दिया जाइछि। कौन लिखा जाइछि, ऑल बैग आर पेंसिल, समस्त बैग कौन अटंती, समस्त बैग कौन अटंती, पेंसिल अटंती, पेंसिल, समस्त बैग पेंसिल अटंती। तापर सेकेंड रे कौन कह, फास्ट रे कौन कह, सम बोटल आर बैग एवं किसी बोटल कौन अटंती, किसी बोटल बैग अटंती। ताले कनक्लूजन रे कौन दिया छि, नो बोटल इज ए पेंसिल, कौनसी बोटल पेंसिल नुहंती, किंतु एठारे जो बोटल अछंती ए बैग सहित जड़ित जो बोटल अच्छा से माने पेंसिल अटंती, तेणु प्रथमटी रंग हेबो। तापर सेकेंड स्टेटमेंट कौन दे, सम बोटल आर पेंसिल, किसी बोटल पेंसिल हो पारे, यही बोटल गुड़िक पेंसिल हो पारे, कहीं ना ये बैग समस्त बैग पेंसिल भितर आसी थाए, तेणु सेकेंड टी रईट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तेणु यार सठिक आंसर कौन हे, कनक्लूजन सेकेंड केवल फलो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हुई डे इज 10 डे अफ ए गिभेन मन्थ, ଏହି ମନ୍ଥର କ'ଣ କହିଛି, ଏହି ମାସର 10th 10 ନମ୍ବର ଡେ କେଉଁ ଦିନ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି, 10th ଡେ ବା 10 ନମ୍ବର ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ହେବ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଜାଣିପାରିବା ନା ସେକେଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରିବା ନା ବୋଥରୁ ଜାଣିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଇଜ୍ ମନ୍ଡେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ କେତେ ଅଟେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହେଉଛି ମନ୍ଡେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ମନ୍ଥଟା 28 ଡେଜ୍ ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, 30 ଡେଜ୍ ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, 29 ଡେଜ୍ ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବା 31 ଡେ ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ମନ୍ଡେ ଅଟେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ମାସ ସମାନ ନଥାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେୟାର ଆର୍ 5 ସଟର୍ଡେ ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ, 5ଟି ସଟର୍ଡେ ଅଛି ସେହି ମନ୍ଥରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तेणु यार आंसर आम दे पारा ना। नेक्स्ट कौन दी, एमओएनडीएए यह कौन लिखी, NQOFBA, ताले एठारे लॉजिक कौन लगी, देखा कौन लॉजिक लगी, MONDAOA को कौन लिखा हो, NQOFBA, FBA, MTN होइछि, MTN होइछि माने कौन होइछि, प्लस वन होइछि, MTN होइछि, तापरे OPQ अर्थात प्लस टू होइछि, तापरे N परे O होइछि अर्थात वन प्लस होइछि, तापरे D परे E परे F होइछि, तापरे टू प्लस होइछि, यहीपरि सीरीज चलती। प्रथम कौन लगी लॉजिक, प्रथम वन प्लस होपे टू प्लस होपर पुणी वन प्लस होपर पुणी टू प्लस हो लॉजिक चलती, तेणु कौन है जेड टी कौन हो, जेड सहित जदि आम वन प्लस करवा जेड पर नेक्स्ट लेटर कौन है, ए हे, तापर इ अच्छी, इ मैंने कौन है, इ एफ जि हे, तापर बीटा कौन है, सी हे, एवं आर टा कौन है, एस छाड़ी टी हे, एटा एटा कौन है, बी हे, तेणु यह हम यार सठिक आंसर, AGCTB अर्थात ए हे यार सठिक आंसर, फास्ट ए हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा, इफ टू एग कॉस्ट, दुईटी अंडार दाम, दुईटी एग रो दाम के 8 टंका, गोटे अंडार दाम के 4 टंका हे, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 बॉक्सेस कंटेनिंग 1 डजन एग, ताहले केतेटी बक्स अच्छे, 13टी बक्स अच्छे, प्रत्येकटी गोटे गोटे दर्जन अच्छी, गोटे दर्जन माने के 12टा थाए, गोटे दर्जन माने 12टा थाए,
ତେଣୁ 13ଟି ଦର୍ଜନ ଅଛି। 13ଟି ଦର୍ଜନ ମାନେ କେତେଟି ହେବ? 13 × 12 ଏବଂ ଗୋଟିଏକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟିଏକୁ 4 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟିକୁ 8 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟିକୁ 4 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 13 × 12 × 4 କରିଲେ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ହେବ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍। ତେରଟି ଡଜନର ତା ଅଣ୍ଡାର ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ? 624। 624 13 × 12 × 4 ଅର୍ଥାତ୍ 13ଟି ବକ୍ସ, 12 ଡର୍ଜନ ପ୍ରତିଟିରେ ଏବଂ 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତେଣୁ 624 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଇଫ୍ ନର୍ଥ ବିକେମ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ନର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଲେଖିବା, ନର୍ଥ ମାନେ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ନର୍ଥ, ଏପଟେ ହେଉଛି ସାଉଥ୍, ଏପଟେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଏପଟେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ? ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଲେଖୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍ଥ, ନର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ? ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା। ଏହା ଏହା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁରା ସାର୍କେଲଟା କେତେ ଅଟେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହା ଏହା କେବେ କେତେ ହେବ? 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ କେତେ ହେବ ଟୋଟାଲ? 135 ଡିଗ୍ରୀ। 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସିଛି ଏହା। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି? ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା ସେହିଭଳି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁଟା ଅଟେ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଏପଟେ ହେବ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏହା କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମଟିରେ ଯେମିତି ଆସିଲେ 135 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବା। ଏତିକିଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏତିକିଟା କେତେ ଅଟେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହା ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଆସିଲା? 135 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏହା କେତେ ହେବ? ସାଉଥ୍ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସାଉଥ୍, ସାଉଥ୍ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନର୍ଥଟା ଯଦି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟଟା କାହାର ହେବ କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ବା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ସାଉଥ୍, ସରି, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? ସାଉଥ୍, ସାଉଥ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନ। ଏହା ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନ୍ ବା UGC, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନ୍ର କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି? UGC କେବେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ? 1953 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 1956 ମସିହାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଆମ ଦେଶରେ? 11 ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି UGC କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା? UEC ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍। କେବେ ଆସିଥିଲା? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ 1948-49 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ରିକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା କି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ UGC ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? 1953 ମସିହାରେ UGCକୁ ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ 1956 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେକୁ 11 ନଭେମ୍ବରକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ UGCର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦେଖି ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି? ଏନକରେଜେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏବଂ ଡିସବର୍ସେସ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି NCTE ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଲାଇକ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ 7 × 8 ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍। 7 × 8 ଦିଆଯାଇଛି, 7 × 8 କେତେ ହୋଇଥାଏ? 56 ହୋଇଥାଏ, 7 × 8 = 56।
8 56 तेणु यह कौ प्रकार क्वेश्चन अटे कौ प्रकार एग्जाम्पल अटे कौ प्रकार एग्जाम्पल अटे कंटिगुटी कंटिगुटी मैंने कौन अटे जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर जो दि जाए कहुए कंटिगुटी तेणु सठिक आंसर कौन है कंटिगुटी यार गोटे आंसर थाए क्रिएटिविटी मैंने कौन अटे पिलाटी विभिन्न प्रकार से थिंकिंग तार थॉट प्रोसेस द्वारा से लिखि थाए स्कीमा मैंने कौन अटे जोटा प्रथम आप माइंड में जो सेव रही था अटे तेणु यार सठिक आंसर कौन हम कंटिगुटी मैंने हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर दि जाए कहुए जार गोटे आंसर थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द चैलेंज टू एनी क्लासरूम स्ट्रक्चर इज टू प्रोवाइड राइट चैलेंज टू द स्टूडेंट एंड एप्रोप्रिएट डिजाइन ऑफ द क्लासरूम दैट एलो स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ओन लेवल ऑफ एबिलिटी एंड ऑल्सो हैव एक्सेस टू टीचर एक्सपर्टाइज इज द बेस्ट डिस्क्राइब बे पिला माने कोन करथांती तांकर निज इच्छा अनुसार से माने कार्य करथांती तांकर निजर निज एबिलिटी अनुसार एवं तांकर निजर इच्छा अनुसार करथांती एवं ताहा गुटे तांको पई कोन थाय चैलेंज थाय यहाँ कौन कहे प्रोजेक्ट दैट आर ओपन एंडेड बा प्रोजेक्ट मेथड बा ओपन एंडेड कराए थे कौन करते पाने निजे ही कार्य एवं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे कौन कर थॉट से कौन से चैलेंज न था से डायरेक्ट आंसर दे था रिकॉलिंग हो पारना और कंपिटिशन हो तेणु यार सठिक आंसर कौन हम प्रोजेक्ट आर ओपन एंडेड एथेर कौन कर पाने एक्टिवली कार्य कर सहित से निजर निजे ही कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग कोटा गोटे टीचिंग रो मॉडल अटे तार इलिमेंट्स अटे कोटा फोकस सिंटैक्स सोशल सिस्टम एवं सपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गांधीजी बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन एथेरे कौन फोकस कर 1937 मसीह आसाला गांधीजी बेसिक एजुकेशन बा कौन कह वार्धा एजुकेशन बा बुनियादी शिक्षा बा एथेरे कौन कर फ्री एवं कंपलसरी एठार सर्वप्रथम कहुए 6 रु 14 वर्ष बालक मान को बा फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा विषय कहुला एज एज दर्शाई ना कि फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा विषय कहुता सहित पाने कार्य करने सहित जमीक पैसा इनकम करेंगे से ही भाया शिक्षा देवाई कहुला वर्क एजुकेशन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन ए विषय कहुला तेणु यार सठिक आंसर कौन है मैनुअल प्रोडक्टिव लेबर क्राफ्ट एंड सेल्फ रिलायंस जमीक आत्मनिर्भर हो पारे से विषय में शिक्षा देवाई कहुला 1937 मसीह आसाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए टीचर एज ए लीडर शुड बी जन टीचर जन लीडर अटंती कौन हेबा कथा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक माने कौन अटे जो मैंने कि समस्त को सामान आखिरी देखी था आम देश कौन अटे गोटे डेमोक्रेटिक देश अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ऑर्डर टू मैनेज एंड एनहांस लर्निंग क्लास क्लास नोटिस बोर्ड सोल्ड बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग आम क्लासरूम कौन करवा तार क्लासरूम को मैनेज करवा एवं लर्निंग को एनहांस करने कोटा करवा कथा कोटा करवा कथा बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटेशन लेसन ऑब्जेक्टिव्स एवं गेन लर्नर इंटरेस्ट पिलाटीर इंटरेस्ट को देखा कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कॉग्निटिव थ्योरी एम्फासाइज ऑन लिमिटिंग द प्रेशर ऑफ रिड्यूसिंग वर्किंग मेमोरी वन ऑफ द मेथड टू रिड्यूस इनफॉर्मेशन प्रेशर इन चंकिंग व्हिच इज डिफाइंड एज पिला जो प्रेशर अच्छी पढ़वर जो प्रेशर अच्छी ताको आम किप कम पढ़वर जो प्रेशर अच्छी ताको आम किप कम जहाद्वारा कौन हम मीनिंगफुल लर्निंग हे किपर कर कंबाइनिंग सेपरेट लार्ज आइटम इनटू मीनिंगफुल यूनिट अर्थात बड़टा को कौन करवा आम कंबाइन करके छोट कर स्ट्रक्चरली आम करवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवरी एक्टिविटी ऑट टू हैव ए मीनिंग
व्हिच पार्ट इज प्रोग्रेसिवली इनटू द लार्ज फ्रेमवर्क ऑफ मेनी फील्ड, अर्थात कौन कहुच्छे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यार यार यह किए दे कहुच्छे किए दे जॉन डीवे दे प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप बाय, माइक्रो टीचिंग किए डेवलप करते किए करते आलेन करते एवं से कोठार करते स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रो एवं गोटी क्लास रे केते जन पिला रहबा कथा 5 रु 10 जन रहबा कथा कहिथिले एवं ता सहित 36 मिनिट रो क्लास हेबा कथा कहिथिले आलेन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एहा थिला टीचिंग पीरियड रो। नेक्स्ट देखिबा ओडिया ग्रामर रो क्वेश्चन। आपण चैनल को एबे पर्यंत जदि सब्सक्राइब करिना ताले ता मध्ये करंतु। ए यथाविधि कि प्रकार समास अटे, कि समास अटे अव्यय अव्ययी भाव समास अटे, नथिरे डोर बांधिबा ए माने कौन अटे, नथिरे डोर बांधिबा ए रोडी माने कौन अटे मकदमा बंद करिबा, ए वस्त्र यार यार संधि विच्छेद किपर हेबो, बस यार संधि विच्छेद किपर हेबो ब अ स त र बा सी हेबो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ओ कि गरम एटार लास्ट रे को चिन्ह लगेबा कथा, ओ कि गरम एटारे कौन ये जाइए कौन सी आम जदि कौन सी जिनस अधिक खुशी हो जा खुशी हेबा अधिक दुखित तो हेबा ताकु आम को चिन्ह द्वारा सूचाई था यार सठिक आंसर डी हेबो ए बोली चिन्ह द्वारा बा इंग्लीश कौन हो एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, दुईट वाक्य को जोग कर सर्वनाम को कौन कहुए समुच्चयी सर्वनाम, दुईट वाक्य को जे जोन कर समुच्चयी सर्वनाम कौटा गोटे पार्श्विक स्वर पार्श्विक व्यंजन ध्वनि अटे कौटा ल ए रोगी को औषध दिए ए रोगी को क्यों क्यों विभक्ति अटे क्यों विभक्ति निवारण अर्थे चतुर्थी निवारण क्षेत्र में कौन कर चतुर्थी विभक्ति या कत कौन से दान क्षेत्र में परमानेंट जो दान होता है से समय कौन करते चतुर्थी विभक्ति एवं संप्रदान कारण कारक। सूर्यंकर उदय रे पद्म फुटे क्यों विभक्ति होइछि एटारे जदि कौन से टाइम एवं प्लेस को सूचाइले कौन होता है सप्तमी बा भावे सप्तमी होइछि एटारे। मालिक चाकर द्वारा काम कराउछंती एहा क्यों कर्ता अटे मालिक जदि निजे करथिले कौन होइथांता प्रयोज्यकर्ता एवं अन्य द्वारा कराइले ता कौन कहजे प्रयोजककर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कर्तृवाच्य कर्मकारक क्यों विभक्ति हुए कर्मकारक विभक्ति होते द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यह थिला ओडिया ग्रामर। नेक्स्ट देखा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा, किए प्रथम स्पीकर थिले जार कि कौन होता नो कॉन्फिडेंस मोशन निया प्रथम तरफ लोकसभा यह किए थे जी भी मावलांकर थिले एवं यह नो कॉन्फिडेंस मोशन कोठार इंट्रोड्यूस कर केवल लोकसभा यहाँ इंट्रोड्यूस करते किए करते ओपोजिशन पार्टी मैंने करते नो कॉन्फिडेंस मोशन को एवं एथेरे 51% मेजोरीटी दरकार पड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दैट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1878 टू कंटेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रेस वाज प्रपोज बाय, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किए आनी थे केवे आनी थे 1878 मसीह कौन करते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आनी थे यह आनी थे लॉर्ड लिटन आनी थे एथेरे कौन कर प्रेस मैंने न्यूज पेपर मैंने कौन करेंगे इच्छा अनुसार से मैंने छापी पारे ना प्रेस जोटा ब्रिटिशर मैंने कहे अनुसार करेंगे यह थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आम कॉन्स्टिट्यूशन रोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक अटे सैलेंट फीचर अटे
କେଉଁଟା ଅଟେ ପାର୍ସିଆଲି ରିଜିଡ୍ ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ। କିଛି ଆମର ରିଜିଡ୍ ଅଟେ, କଠିନ ଅଟେ ଏବଂ କିଛି ନରମ ଅଟେ ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମେଜୋରିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାଉ, ଯାହାକି 2/3 ମେଜୋରିଟି ବା କାହାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜୋରିଟି ବା 50% ପ୍ଲସ୍ 1 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପାର୍ସିଆଲି ରିଜିଡ୍ ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ରିଜନ୍ ଦ ପୁନାପ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ 1932 ୱାଜ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍ ଅପନ୍ ବାଏ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 1932 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, 1932 ମସିହାରେ ପୁନାପ ଆକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ଫର୍ ଦ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱେୟାର୍ ଟୁ ବି ଭୋଟେଡ୍ ଇନ୍ ବାଏ ଦ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ମୁସଲିମ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ 1882 ଅଥର୍ଡ଼ ବାଏ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟର୍ଜୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଭୋଲ୍ଟକୁ ଏହା ମୁସଲିମ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଭୋଲ୍ଟକୁ, ଏବଂ ଏହା 1882 ମସିହାରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର କେଉଁ ନୋବେଲରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆନନ୍ଦମଣ୍ଡ ନୋବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସାର୍ ସୈଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ, ସାର୍ ସୈଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ସରି କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଟେ। ସାର୍ ସୈଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1875 ମସିହାରେ ସେ ଅଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1875 ମସିହାରେ, କେଉଁଠାରେ, UP-ଠାରେ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଏ ସାର୍ ସୈଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଇନ୍ 1860 ଇନ୍ ଅଲିଗଡ଼ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ 1860 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ, 1875 ନୁହେଁ 1860 ମସିହାରେ। ହି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ମହମ୍ମଦାନ ଏଲ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଏଟ୍ ଅଲିଗଡ଼ ଇନ୍ 1875 ଟୁ ଏଜୁକେଟ୍ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1875 ମସିହାରେ ଅଲିଗଡ଼ ସରି ସରି ମହମ୍ମଦାନ ଏଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ କରାଗଲା, ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଗଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ହି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଦ ମୁସଲିମ ମାସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସୈଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ପିଚେଟ୍ ତ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଥିଓରି, ସେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଥିଓରି ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଟା ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଏରାଇଜିଂ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯେଉଁ MLA ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ବା ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପି, ବିଜେପିରୁ କଂଗ୍ରେସ, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏହା ବିଷୟରେ କେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 10th ସିଡ଼ୁରେ, 10th ସିଡ଼ୁରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ କୁହାଯାଏ। ଏହା କିଏ କରିଥିଲେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥାଏ, ବା କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସ୍ପିକର୍ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବାର ତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବାର, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି, 368 368 ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ କ୍ରାଉନ୍ ଏଟ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ସଠିକ୍ ଅଟେ, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1935 ୱାଜ୍ ଏନେକ୍ଟେଡ଼, ଏହା ଫଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଏହି ସମୟରେ ନଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ 1856 ମସିହାରେ ଥିଲେ, 1856 ମସିହାରେ ସେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଶାସନଟି ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ 1859
58 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1858 ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟି ରାଇଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟି ଫଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ରୟତବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ। ରୟତବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଏ ଥୋମାସ ମୁର୍ରୋ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 1820ରୁ 1837। ଏହାକୁ ରୟତବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ କରାଯାଇନଥାଏ, ଏହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ମାଡ୍ରାସରେ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇନଥିଲା, କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ବମ୍ବେ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, 50% ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା, ଏବଂ 60% ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଜାଗାରେ 60% ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଲର୍ଡ଼ ମୁନରୋ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ଥିଲେ, 1820 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ ବାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମର୍ ଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, କେଉଁଠାରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ, ଏହି ରୟତବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମର୍ ଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଫଲ୍ସ ହେବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା ରାଇଟ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ କଲ୍ଡ ବାଏ ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସଭିଆଇ ଇନ୍ 1718, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସଭିଆଇ 1789 ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ମେମ୍ବର୍ସ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର୍ସକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ କେଉଁଟାରେ ଥିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1789 ମସିହାରେ, 1789 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବା ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ସୋସାଇଟିକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମଟିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ୍ଲର୍ଜି କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଥମଟି କ୍ଲର୍ଜି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟକୁ ନୋବେଲ୍ଟି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ଏଥିରେ ରାଜାମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ଟିକୁ କମନର୍ସ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ଲର୍ଜିର ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଂ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ଭାଇସ୍ରାଏ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚେଡ୍ ବାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1942। 1942 ମସିହାରେ, 1942 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ, କର ବା ମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସରି, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇଥିଲେ, ମର ବା ମାର। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଲେନିଙ୍ଗୋ ଥିଲେ, ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି 8 ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା 1942 ମସିହାରେ, ସେଥିପାଇଁ। ତା'ପରେ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1942ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍କୁ ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍କୁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଆମକୁ ଦେଶକୁ ଆସି କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଆମ ଦେଶର, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 76, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେ କେ ବେଣୁଗୋପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 76ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଟ୍ରୁ ଟିଚର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଶିବ ଦୟାଲ ସାହେବ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଏନ୍ ଏସେଟିକ୍ ହିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ଶିଖ୍ ସେକ୍ଟ ନୁ ନାଇଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଶିବଦୟାଲ ସାହେବ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ସତସଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶିବଦୟାଲ ସାହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କଲ୍ ସୋମ ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1858। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସୋମ ପ୍ରକାଶ, ଏହାକୁ କେବେ କରିଥିଲେ, 1858 ମସିହାରେ। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ ଫର୍ କଲୋନୀ,
वांटेड इट प्लेस इन द सन व्वेन इट केम टू गेनिंग मोर कलोनी बिफोर द वार वन अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व क्यों देशर अधिक कलोनी थी कौटार जर्मानी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द पावर टू इश्यू रिट आमर रिट फंडामेंटल राइट रो वायलेशन समय रे रिट जो जारी करा जाते ता विषय कोठरे लिखा जाइछि आर्टिकल 32 एवं 226। आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट को दिया जाइछि एवं आर्टिकल 226 रे हाई कोर्ट को दिया जाइछि रिट जारी करबार केते प्रकार रिट पांच प्रकार रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच यूरोपियन पावर फेस द हेवीएस्ट लॉस रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्वयुद्ध रे क्यों देशर अधिक लॉस होइतिला कार रूसिया रो। द सिपाही म्यूटिनी 1857 ब्रोक आउट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन को जगह रे होइतिला सिपाही विद्रोह कोठार होइतिला मेरठ रो होइतिला केबे होइतिला 10 मे 1857 मसे रे के करथिले सिपाही माने करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यह हिस्ट्री एवं पॉलिटी रो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा ज्योग्राफी रो क्वेश्चन ए पिक्चर टा कौन दर्शा जाऊँ कौन दर्शा जाऊँ पिक्चर टी पॉलिटिकल पार्टी मैंने कौन कर एनाउंस करते द्वारा कौन हो साउंड पल्यूशन होता सहित से चिरकुट को यूज कर सहित एनवायरमेंट पल्यूशन करते तेणु यार सठिक आंसर कौन है यस इट्स क्रिएट्स एयर एंड नॉइज पल्यूशन से माने एयर पल्यूशन करते सहित नॉइज पल्यूशन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फिशिंग अनुसार कौटा सठिक अटे फिशिंग अनुसार कौटा सठिक अटे फिशिकल्चर और फिश कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग फिशेस इन पॉन्ड्स रिजर्व डैम लेक रिवर्स एंड पेडी फील्ड्स फिश कोठारे चाष कराइए डैम ठारे कराइए लेक्स ठारे रिवर्स ठारे पेडी ठारे एक जगह रिजर्वर्स ठारे कराइए सठिक अटे फिशिकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिकली इंपैक्ट फिशेस अंडर द कंट्रोल कंडीशन एवं यह हूँ गोटे इकोनॉमिक एग्रीकल्चर अटे बा इकोनॉमिक फार्मिंग अटे जहाद्वारा कि आम पैसा इनकम कर सठिक अटे यह मेरीन व्वाटर कल्टिवेट फिशेस आर काटला यही समस्त नुहे यह कराए तेणु फास्ट एवं सेकेंडटा रईट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दिस स्टेट इन इंडिया हैज सोन ए डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन एज पर 2011 सेंसस इज कॉल्ड एज द लोएस्ट रेट ऑफ सेक्स रेशियो इन द कंट्री अर्थात कौटे सेक्स रेशियो कम थी कहुई कौटे हरियाणा मैक्सिमम कौटे थी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव अचीव 100% सैचुरेशन इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर द सौभाग्य योजना ऑफ नवंबर 2000 को राज्य मैंने कौन कर सौभाग्य योजना द्वारा 100% यह द्वारा कौन कर इलेक्ट्रिसिटी दि जाइए एवं क्यों राज्य मैंने 100% इलेक्ट्रिसिटी करते कहुई को मैंने मध्य प्रदेश त्रिपुरा एवं बिहार। आम देशर स्टैंडर्ड मेरिडियन केते अटे व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा अटे 82.30 डिग्री ईस्ट साइड रे अछि बा 82.30 डिग्री ईस्ट। इफ यू गो टू नॉर्थ पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र यू विल सी लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स व्हाट इज द रीजन फॉर इट अर्थात महाराष्ट्र ठारे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक रे कोन होते कॉटन प्लांट अधिक देखा जाते या काहे कि देखा जाते बट कॉटन ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ डेकान प्लाटो से जो डेकान प्लाटो अच्छे से कौन अच्छी ब्लैक सॉइल अच्छी से ब्लैक सॉइल रे कॉटन ठीक भाव कराए से अधिक कॉटन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए पिक्चर टी कौन दर्शा जाऊँ पिक्चर कौन दर्शा जा डैमेज कोराल राइजिंग सी लेवल्स वार्म्स ओशियन चेंजिंग इन प्लांट लाइफ साइकिल कौन दर्शा जा डिफॉरेस्टेशन अर्थात
जंगल ध्वंस होगा यह दर्शा जाऊँगी। डिफोरेस्टेशन माने कौन जंगल ध्वंस हो एनवायरमेंट खराब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2015 विथ द मोटिव टू एनश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू बेसिक सर्विस वाटर सप्लाई सीवेज अर्बन ट्रांसपोर्ट। यह समस्त कौन कर नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 मसीह वाटर सप्लाई सीवेज अर्बन ट्रांसपोर्ट यहाँ अमृत अमृत योजना को कराइला यार फुल फॉर्म कौन अटे अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच रेंज ऑफ हिमालय माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड। माउंट एवरेस्ट कौटार अच्छी ग्रेट हिमालय कौटे ग्रेट हिमालय कौन कहुए हिमाद्री कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कन्सीडर द फलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनोमिक ग्रोथ ह्विच ऑफ द फलोइंग इज इनकरेक्ट। इकोनोमिक ग्रोथ अनुसार कौटा भूल दि जाए स्ट्रक्चरल चेंज नुहे इकोनोमिक ग्रोथटा स्ट्रक्चरल चेंज हो न थे। ए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन एस्टाब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इन इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टाब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कर न था सेंट्रल गवर्नमेंट करते यह प्रथम राइट अटे। प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसार किसी स्टेटमेंट दी कौटा सठिक अटे इट इज ए पार्ट ऑफ मिशन हाउसिंग फॉर ऑल सठिक अटे। द कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी विल बी 100% सेंट्रली फंडेड 100% सेंट्रल द्वारा पैसा दि जाए थे। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द अर्बान लोकाल बडी अर्बान ठारे कराए थे तेणु ऑल स्टेटमेंट करेक्ट अटे प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसार। इफ इट इज एकटा 20 PM इन 20 डिग्री ईस्ट कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ 20 डिग्री वेस्ट ताले वेस्ट साइड रे कौन है क्या हूँ नॉर्थ एपटे हूँ साउथ एपटे हूँ ईस्ट एवं एपटे हूँ वेस्ट तार कौन हो एकटा PM हो ईस्ट साइड रे ईस्ट माने कोटा एटारे एकटा 20 PM हो एकटा 20 PM हो ताले तार केते 20 डिग्री रे 20 डिग्री रे एकटा PM हो तापर एपटे वेस्ट साइड रे 20 डिग्री रे कौन हेबो कहा जाइछि केते टाइम हेबो कहा जाइछि 20 20 केते अछि डिफरेंस केते अछि 20 20 40 अछि एपटे 20 एपटे 20 40 अछि एवं एठारे एकटा 20 PM होइछि ताहले ए जगह रे केते हेबो टाइम कहा जाइछि 40 माने एक डिग्री एक गोटे लॉन्गिट्यूड माने केते 4 मिनिट 4 × 40 केते हेबो 160 160 माने केते घंटा अटे 2 ঘন্টা 40 মিনিট 2 ঘন্টা 40 মিনিট তেণু মাইনস করে দেবা এঠার ইস্ট 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 সাইড্রে অছি তেণু আমি কোণ আনিবার অছি ওয়েস্ট সাইড্রে আনিবার অছি এবং এর ডিসটান্স কত দিয়েছি 40 ডিগ্রি সরি 40 ডিগ্রি দেয়া যাইছি তাহলে 2 ঘন্টা 40 মিনিট যদি মাইনস করে দেবা একটা 20 PM রু 2 ঘন্টা 40 মিনিট যদি মাইনস করে দেবা তাহলে কত আসিব 10টা 40 AM तेणु यार सठिक आंसर के 10:47। रीजन ऑफ अर्थ दैट इज एक्सट्रीमली बायोडायवर्सिटी डाइवर्स एंड ऑल्सो अंडर सर्व दैट 3 8 ड्यू टू हैबिटेट लॉस क्लाइमेट चेंज और एक्जिस्टिंग स्पेसीज लॉस ताक कौन कहुए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहुए। आयरन ओर्स माइंस कौटे अच्छे सिंहम बस्तर मयूरभंज और केन्दुझर में अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यह थी फ्रेंड्स समस्त क्वेश्चन 7 अक्टोबर 2021 रो फास्ट सिफ्टर क्वेश्चन आपन जदि एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करना ताले लाइक मध्य करंतु तेणु थैंक यू। अन्य समस्त क्लास देखिबा पय आपन प्लेलिस्ट को जे देखि परबे।